24 फरवरी 2022 को अचानक दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के न्यूज रूम में हड़बड़ी मच गई, चर्चाएं शुरू हो गईं। खबर आई कि लगभग 2 महीने से यूक्रेन के बॉर्डर पर सेंध लगाए बैठे रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है और फिर कई दिन तक सुबह शाम युद्ध और धमाकों की खबरें हेडलाइन बनती रहीं। इस बीच भारत के लिए यूक्रेन में मौजूद 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र केंद्र बिंदु बने रहे, जिन्हें युद्ध से बचाकर ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया और अब ये छात्र धीरे धीरे वापस उसी वॉर जोन की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो In association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. युद्ध क्षेत्र से बचकर ये छात्र भारत तो पहुंच गए, पर यहाँ इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी। सरकार ने अपनी सीमाएं बता दी और NMC ने नियम कायदे गिना दिए। कई तरह के सॉल्यूशन पर विचार तो हुआ, पर कोई रास्ता नहीं निकल पाया। कई छात्र थे जिन्हें यूक्रेन में पढ़ते 1 या 2 साल ही हुए थे, उन्होंने यहाँ फिर से शुरू से शुरुआत कर दी, पर 3rd, 4th और 5th ईयर के छात्र जिनकी पढ़ाई लगभग खत्म होने वाली थी, इनमें अपने करियर के 4-5 साल बर्बाद करने की हिम्मत नहीं बची थी और इसीलिए ये वॉर जोन में लौट गए। वापस यूक्रेन आया रिटर्न में। हम लोगों ने 8 महीने से वेट किया इंडिया में, हर तरह से अपने तरह से ट्राई किया, प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगाया, केस लड़ा, पर हर बार डेट पर डेट और मिलता गया और जज का एक ऐसा इरिस्पॉन्सिबल बयान कि यूक्रेन के लोग तो रह रहे हैं ना यूक्रेन में, आप लोग भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने ठक हार के लगा कि अब कुछ नहीं होगा और ऊपर से 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट को ट्रांसफर वैलिड नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कम थे, तो हम लोगों ने सोचा यूक्रेन चल लेते हैं। और यहाँ आने के बाद एडवाइजरी जारी कर दे, बार बार दो दो बार एडवाइजरी आ चुका है कि आप लोग निकल जाइए। हम लोग क्यों निकले यहाँ से जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा अपने वापस जाने का कि वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं। देखिए, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं बोल रही कि यहाँ पे मतलब आपको क्या करना, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो हमने वापस सोचा कि अब यूक्रेन वापस जाते हैं, क्योंकि उस समय कंडीशन थोड़ा नॉर्मल था। 4-5 दिन बाद ही फिर एम्बेसी की एडवाइजरी आती है कि आप यूक्रेन छोड़ दें। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो वैसे यूक्रेन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जाकर हमें कोई प्रॉफिट नहीं। यूक्रेन में मौजूद छात्रों की माने तो लगभग 1,500 छात्र वापस यूक्रेन लौट चुके हैं। कुछ ने पढ़ाई जारी रखी है, कुछ ट्रांसफर की जद्दोजहद में लगे हैं। इस बीच सायरन, बमबारी, टैंकों के निकलने और बंकरों में छुपने का सिलसिला जारी है। हालात को देखते हुए कुछ छात्रों ने हंगरी और स्लोवाकिया बॉर्डर पर कुछ समय के लिए आसरा ढूंढ लिया है, वहीं कुछ के लिए अब बंकरों में छुपना, बमों की आवाजें और टैंकों का आना जाना जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कई घंटे लाइट नहीं रहती और दुकानें भी बड़ी मुश्किल से थोड़े समय के लिए ही खुल पाती हैं। जो खुलती हैं उस पर सामान बहुत महंगा होता है, पर छात्रों का कहना है कि इन हालात में रहने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। 10 तारीख से जो क्रीमिया ब्रिज के बाद जो एक्शन है ना रशिया का, उसके बाद से बढ़ गया है, लगातार बमबारी बढ़ी है, बंकरों में जाना पड़ता है और लगातार सायरन बजते हैं, तो यहाँ A to Z दुकानें जितनी भी है सब बंद हो जाती है। हम तो ये रिस्क लेने को तैयार है क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए और टाइमली चाहिए। NMC पर बोलते हैं कि आप लोग, आपके पास 10 साल है, आप 10 साल में डिग्री ले, 10 साल तक आप डिग्री ले सकते हो, क्या हम 10 साल ही करते रहे? घर वाले ही बोलते हैं कि तुमको छुपा रहे हो, क्यों गए थे, क्यों आ जाओ, अभी बोल रहे हैं आ जाओ। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ सोच समझ के आया था, मैं आके क्या करूंगा जब ट्रांसफर वैलिड ही नहीं है, ऊपर से NMC ने बोला ऑनलाइन भी नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा क्या मैं। यूक्रेन में हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले 10 दिन में 2 बार सरकार छात्रों के लिए जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है, पर छात्रों का कहना है कि वो तब तक भारत नहीं लौट सकते जब तक उन्हें ये तसल्ली ना हो कि सरकार उनके भविष्य खराब नहीं होने देगी। ये सरकार की एडवाइजरी तो आ रही है, 2 या 3 बार आ चुकी है, लेकिन हम लोग क्या करें, सरकार यहाँ हमारे देश में कुछ कर नहीं रहे हैं कि तुम्हारा क्या होगा आगे, पढ़ाई का कैसे कंटिन्यू रहेगा, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, कोर्ट में जाके, जब कोर्ट में जब बुलाया जाता है सरकार को, तो वो लेके आते ही नहीं कुछ सॉल्यूशन। जब हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम वहां जाएं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ऑनलाइन वैलिड कर दे विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन और हमारे हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस इंडिया में कराया जाए,
एज नाउ एज जब तक हमें गवर्नमेंट तरफ से फुल कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं मिलता कि हमें रिलीफ मिलेगा, हम लोग नहीं आ रहे हैं, चाहे कितने भी एडवाइजरी जारी कर लेगा गवर्नमेंट। छात्रों की माने तो फिलहाल भारत में उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और पोलैंड, रशिया जैसे देशों में एडमिशन तो ऑफर किए जा रहे हैं, पर वहां की फीस यूक्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसे अफोर्ड करना हर छात्र के बस की बात नहीं है। वहीं कुछ छात्र ट्रांसफर के लिए अपने कॉलेज से ट्रांसफर पेपर लेने यूक्रेन पहुंचे हैं, जिन्हें पहले एडमिशन कॉन्ट्रैक्टर से उलझना पड़ा और फिर कॉलेज प्रशासन को जान देने की धमकी तक देनी पड़ी। अभी हमारा यहाँ आए हुए कम से 21 दिन हो गया है और परसों जाकर के हमें अपना ट्रांसक्रिप्ट मिला है। बहुत पैर हाथ मार करके हमने यूनिवर्सिटी से गिर गिराया, सुसाइड नोट भी लिख दिया एट लास्ट यूनिवर्सिटी को कि अगर हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं दोगे तो हम यही सुसाइड कर लेंगे, या तो हमें ट्रांसक्रिप्ट दो नहीं तो हम यूनिवर्सिटी से जाएंगे नहीं। फिर उन्होंने एट लास्ट 21-22 दिन के बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट दिया। अभी भी हम जयप्रोजिया में, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो हम अभी भी फंसे हुए हैं। और एक बोला था यूनिवर्सिटी ने कि अगर आप पावर ऑफ अटर्नी लेके आते हैं तो हमको ट्रांसक्रिप्ट देंगे उस जिसका भी आप पावर ऑफ अटर्नी लेके आते हैं, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टर रोल ये प्ले कर रहा है कि वो हमें वो प्रोवाइड कर नहीं रहा है, जिसके कारण हम अभी भी यहाँ पे हैं जयप्रोजिया में। आज 25th डे है और आज भी हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, क्योंकि जयप्रोजिया अब सेफ उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ हर रोज बॉम्ब गिरता है, कल रात को भी यहाँ पे अटैक हुए हैं। अब छात्रों का सरकार से कहना है कि वापस यूक्रेन लौटने में उनका काफी पैसा वेस्ट हो चुका है, इसीलिए अब वो अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। पर ये खतरनाक है, क्योंकि युद्ध अभी थमा नहीं है और ना ही यूक्रेन से खतरा टला है। देखना है कि छात्रों की वो समस्या जो एक बार फिर युद्ध के चलते खड़ी हुई है, उसे लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है। आज रंगरूट शो में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। देखते रहिए रंगरूट।